आदेश करें। मेरे यहां आने का उद्देश्य बढ़ते हुए संकट के बारे में आपको सचेत करना है। कैसा संकट ब्राह्मण जी? अभी तक उन शक्तियों की पुष्टि नहीं हुई। कुछ ऐसी घटनाएं अवश्य घटी हैं। ये मूर्तियां यहां क्यों हैं दशरथ? ये तो पूर्वजों की महानता का स्मरण कराने के लिए स्थापित की गई थी। मूर्ति की विशालता से उनकी महानता का स्मरण अवश्य होता, और यदि उस महानता का अनुसरण न किया जाए तो ये उस मूर्ति का अपमान है जिसके लिए तुमने स्थल का निर्माण करवाया है। मैंने कहा था तुमसे, वचनों की पूर्ति से तुम्हारे कुल की मर्यादा परिभाषित होती रही है। वचन का टूटना अर्थात एक परंपरा का टूटना है। वो परिस्थितियां भिन्न थी गुरुदेव, जब मैंने वो वचन दिया था। उसके लिए आज मैं अपने पुत्र से वो छीन लूं जो उसका अधिकार है, जबकि उसकी कोई भूल नहीं। पुत्र, मोह को सुरक्षा कवच मत बनाओ दशरथ। जब वचन निभाने का सामर्थ्य नहीं तो वचन देने का अधिकार भी नहीं है तुम्हें। केवल स्वप्न में दिया था एक वचन राजा हरिश्चंद्र ने, फिर भी उसकी पूर्ति की। अपना सब कुछ त्याग कर बिना एक क्षण भी संकोच किए तुम ऐसे सत्यवादी, ऐसे दानशील राजा हरिश्चंद्र के वंशज हो दशरथ। और आज भी तुम्हारे व्यवहार को देखकर यह स्पष्ट है कि तुम्हें अपनी भूल का आभास ही नहीं है। कोई मुझसे मेरा सब कुछ मांग ले, मैं भी बिना संकोच दे दूंगा। पर गुरुदेव, कुछ भी मेरा कहां रहा? जो है वो सब राम का ही तो है। पिता के कर्मों का ऋणी पुत्र को बनना पड़ता है दशरथ। कहां है हमारा पुत्र? एक दिन आपको भी पता चलेगा पुत्र वियोग क्या होता है। ऐसा मत कहिए कुत्ते, ऐसा मत कहिए कुत्ते, मार्गदर्शन करिए। मेरे कारण राम को कुछ कष्ट हो, उससे सहन नहीं होगा। राम पर अपना एक अधिकार क्यों स्थापित कर रहे हो तुम? ये व्यर्थ है दशरथ, ये सोच ही व्यर्थ है। तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो कि राम इस राज पाठ के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है। केवल अयोध्या कौशल राज्य तक सीमित रहने वाला नहीं है। वो तुम्हारी और मेरी सोच से बहुत बड़ा है तुम्हारा ये पुत्र। जहां भी उसका पदार्पण होगा वो पुण्य भूमि बन जाएगी। वो जिस पथ पर भी चलेगा वो अनुकरणीय हो जाएगा। जहां भी उसकी ख्याति पहुंचेगी वहां उसकी पूजा की जाएगी। राम के जीवन की महत्ता को केवल अपने सुख दुख तक सीमित रखकर अपने पुत्र को बहुत छोटा बना रहे हो तुम दशरथ। उस पर विश्वास करो, उसमें सामर्थ्य है अपने कुल की अपेक्षाओं को पूरा करने का। राम सूर्य है दशरथ, उसे अपने मुट्ठी में बंद करने का प्रयास करोगे तो सर्वत्र अंधकार छा जाएगा। तुम्हारे अपने जीवन में भी
संभावना है कि यह आतंक उत्तर की ओर बढ़ रहा है और धीरे धीरे समस्त आर्यवर्त में फैल जाएगा। मैं जानता हूं कि आप सैन्य बल के प्रयोग में विश्वास नहीं रखते, किंतु राज्य को सुरक्षित रखने का दायित्व भी तो राजा का ही होता है। आक्रमण की घटनाएं बढ़ रही हैं। आने वाले समय में आर्यवर्त को इस आतंक से मुक्त कराने के लिए एक वीर आएगा, अवश्य आएगा। ब्रह्म ऋषि, पर तब तक यह अशुभता इतनी ना फैल जाए कोई शुभ कार्य करना ही दोबारा हो जाए। मेरे पुत्र, मैं जब भी तुम्हें देखती हूं बस यही सोचती हूँ कि तुमने मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया। ना मैं हूं मां। राम? हाँ मां। राम नहीं। मां मैंने कहा नहीं, मैं राम को ऐसे प्रतीक्षा नहीं करवा सकती। हटो कैकेयी। तुम्हारे पिता महाराज अश्वपति को मैंने वचन दिया था, वो वचन ये था, यदि मुझे तुमसे पुत्र प्राप्त होता है मेरा उत्तराधिकारी वही बनेगा। क्या तुमने मुझे पुत्र दिया? मां मैं अंतिम बार कह रहा हूं, मेरे बाद मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम ही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। राम? हाँ मां। अभी व्यस्त हूं, कोई आवश्यक काम? आवश्यक तो कुछ भी नहीं, केवल ये कहने आया था कि आपका ये पुत्र आपसे बहुत प्रेम करता है। एक क्षण के लिए मुझे तो ऐसे लगा कि तुम द्वार खोल ही दोगी, पर ठीक किया, बहुत सर चढ़ा के रखा है तुमने उसे। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे मेरे राम ने पुकारा और मैं क्यों क्यों किया महाराज ने ऐसा, क्यों महाराज ने मेरे और राम के बीच ऐसी रेखा खींच दी जिसे मैं कभी नहीं पार कर पाऊंगी, कभी नहीं।